नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस किस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया हुआ है और आप लोग जो है उसको आपत्ति दर्ज करा करके जो है उसको बदलवा सकते हैं। तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 24/8/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसका डाउटफुल आंसर देखने वाले हैं। ये है आपका सेट नंबर ए। तो सेट नंबर ए का जो 56 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सहयुग्म है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर जो है ए दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लदांग मलेशिया। और ये जो है आपका एनसीईआरटी की कटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लदांग मलेशिया जो है यह दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो पहला जो है चेना वाला, तो चेना जो है ये बोलते हैं आपको श्रीलंका में, है ना। इस वाले में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि चेना जो है श्रीलंका में बोलते हैं। अगला सवाल है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो इसका सही जवाब जो है बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कटिंग में, है ना, ये भारत सरकार का वेबसाइट है अमृत महोत्सव करके, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में कि ही वॉज ऑल्सो अ फोर्सफुल राइटर एंड रैन द हिंदी वीकली हुंकार फ्रॉम पटना। सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया था, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, ठीक है। तो ये दिया है बीपीएससी ऑप्शन ए, अमृता देवी बिश्नोई, जो कि गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए विकिपीडिया का ये कटिंग है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी वाज एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह। इसका ऑप्शन द है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा, उठना चाहिए, राइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आपका किरोसिन होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, पानी से कम होता है, यानी कि पानी के ऊपर जो है किरोसिन तैरता है। तो जब ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी नीचे चला जाएगा और किरोसिन ऊपर आ जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, किरोसिन तो बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा, तो इसको भी आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 94। मेथेमोग्लोबेनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण से होता है? बीपीएससी ने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। यहाँ पर आप लोग कटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेसिव नाइट्रेट कैन कॉज एक्वायर्ड मेथामोग्लोबेनिया इन यंग इन्फेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बीपीएससी ने इसका सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। और यहाँ पर ये कटिंग जो है आप लोग देख सकते हैं कि लैंडफिल में कौन कौन सा गैस होता है, लैंडफिल गैस का कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मीथेन साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को,
मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन 45-60% और कार्बन डाइऑक्साइड 40-60% के बीच में रहता है। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, ठीक है, नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी होता है। उसके अलावा जो है आपका सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसमें कहीं जो है सल्फर डाइऑक्साइड और तरल पेट्रोलियम गैस के बारे में बात नहीं किया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट है, कुछ लोगों ने इसको भी गलत मान रहा है जबकि बीपीएससी ने इसका सही जवाब दिया है। इरविन इसका सही जवाब होगा। 17 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। बीपीएससी ने इसका सही जवाब दिया है, आप लोग इस कटिंग में देख भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट इन द बुक चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी, है ना। तो बतख मियाँ वाला जो कहानी है, इरविन जो है बतख मियाँ को बोलता है कि आप जो है दूध में पॉइजन मिला दीजिए। ऐसा होता है कि इरविन जो है डिनर पे गांधी जी को बुलाते हैं और इरविन के यहाँ बतख मियाँ नाम का एक आदमी काम कर रहा होता है। तो इरविन बोलता है बतख मियाँ से कि आप दूध में पॉइजन डाल दीजिए और गांधी जी पियेंगे और गांधी जी मर जाएंगे। लेकिन बतख मियाँ जो है जानबूझकर गिलास को गिरा देता है और वहाँ पर एक बिल्ली रहती है, तो बिल्ली दूध पी लेती है और बिल्ली जो है मर जाती है, है ना। तो ये इरविन के द्वारा बेसिकली ऐसा किया जाता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर जो है इरविन ही होगा, ये सही है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है इसको छोड़ करके, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये आपत्ति जो है आप लोग जो है अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके जो है, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जो है 5/9/2023 से 7/9/2023 तक आपत्ति क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन ही करना है इस बार, ईमेल या स्पीड पोस्ट नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।